दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पैरालंपिक्स जो हाल ही में आयोजित हुए हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो पैरालंपिक्स ये इसमें कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं? जो हैंडीकैप्ड रहते हैं, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना। और ओलंपिक्स में जो अपने सही रहते हैं, मतलब ठीक है ना। ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो आयोजन स्थल है हमारा टोकियो। टोकियो कहाँ पर पड़ता है? जापान में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये ग्रीष्मकालीन थे, ग्रीष्मकालीन, ठीक है। पहले ये कब 2020 में होने थे, लेकिन अब कहाँ पर कोविड की वजह से ये आगे बढ़ गए, तो अब कब होने लगे? 2021 में आयोजित हुए थे। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आदर्श वाक्य। तो आप लोग रखना UNI, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, इसका आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखिए, भारत के कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? कुल देश थे अपने 168, ठीक है। कुल खेल खिलाड़ी कितने थे? कुल खिलाड़ी थे हमारे, बताइए, कुल खिलाड़ी थे 339, जिसमें से इनमें से 54 भारत के थे। भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने लिया था? 54 खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने? 54 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक्स में। ये आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, ये और चीज ध्यान रखना, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आयोजित हुए हैं ये। कोई आपसे पूछ ले कब से कब तक हुए थे, तो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। अच्छा, आप लोग इसको देख लीजिए, अब फिर मैं ना रफ करता हूँ, एक बार देख लें। पैरालंपिक्स 16वां संस्करण कहाँ? जापान के टोक्यो में। आदर्श वाक्य क्या है? याद रखना, यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश 168, कुल खिलाड़ी 339, भारत की तरफ से 54। दिनांक कब से कब तक आयोजित हुए थे? 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला संस्करण कहाँ हुआ था? देखो, 2016 वाला संस्करण कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो। 2020 का कहाँ हुआ है, बताइए? टोकियो, जापान। 2024 का कहाँ होना है, ध्यान रखना, जो बहुत पूछा जाता है ये, फ्रांस के पेरिस में, पेरिस फ्रांस, ठीक है ना। और 2020 लॉस एंजलिस, कहाँ है? लॉस एंजलिस USA में। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये बताइए कि पहला पैरा ओलंपिक्स कब हुआ था? पहला ओलंपिक हुआ था 1960 में, ठीक है ना। और भारत ने पहला कब लिया था पार्टिसिपेट? पहला भारत द्वारा पहली बार भाग 1968 के पैरा ओलंपिक्स में लिया था, ओके। जे सारे के सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, एक चीज और, भारत द्वारा पहली बार पैरालंपिक में पदक, बताइए कोई को है याद कि किस खिलाड़ी द्वारा लिया गया था? मुरलीकांत पेटकर, 1972 में हुआ था ये, मुरलीकांत पेटकर। ये तैराकी से संबंधित है, तैराकी खेल से, ठीक है। और गोल्ड के रूप में लिया था, समझ रहे हो, गोल्ड के रूप में। ये बिल्कुल ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। ब्राजील में इससे पहले हुआ था। अब नेक्स्ट का होना है
टोक्यो मतलब 2020 में कहाँ हुआ था, टोक्यो में, 2024 में फ्रांस के पेरिस में, और इसके बाद लॉस एंजलिस यूएसए में, पहला 1960 में हुआ था, और पहली बार भाग इंडिया ने कब लिया था 1968 में, पहली बार इंडिया ने पदक कब जीता था तो 1972 में मुरलीकांत पेटकर द्वारा तैराकी में। अच्छा आप लोग ये बताइए मुझे कि इस बार के पैराओलंपिक्स में, इस बार के पैराओलंपिक्स में भारत के ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, भारत की ओर से ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी क्या होता है ना, जब ये शुरुआत होते हैं तब सभी खिलाड़ी अपने अपने देश का फ्लैग लेके जाते हैं, तो ये कौन थे, अवनी लेखारा, इन्हें गोल्ड मिला है, अभी लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, अवनी लेखारा शूटिंग से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से। और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी में देखो मैं बताता हूँ, ध्वजवाहक क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में थे अपने टेकचंद, ये हैं शॉर्टपुट खिलाड़ी। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज समझ के, नहीं आ रहा हो समझ में तो आप लोग पूछ लेना भैया, कोई बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा ये बताइए थीम सॉन्ग क्या था, थीम सॉन्ग था हमारा कर दे कमाल तू। इसके लेखक और गीतकार कौन थे, लेखक गीतकार संजीव सिंह थे भैया, कौन थे, संजीव सिंह, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कौन से, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी लखनऊ से, ध्यान रखें बिल्कुल लखनऊ से, ध्यान से सारे फैक्ट लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन मत करना सारा फंस जाएगा, बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक एक फैक्ट याद करना। चलो नेक्स्ट मैं आपको लिखाता हूँ इसको रफ करके आराम आराम से, बिल्कुल देखो भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता था, है कुछ आइडिया, बता देता हूँ ना, क्या टेंशन लेना है, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित हैं, टेबल टेनिस। भाविना पटेल द्वारा पहला पैरालंपिक, इस बार के पैराओलंपिक जापान टोक्यो वाले में पदक, सिल्वर मेडल, रजत पदक के रूप में, पदक के रूप में प्राप्त किया। तो ध्यान रखना पहला पदक किसने लिया है, भावना पटेल ने, जो किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, और रजत पदक के रूप में पहला पदक मिला है अपने को, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अमूमन, ठीक है। अब आप लोगों को एक मैं चार्ट बनवा देता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था, सेकंड नंबर पे कौन रहा था, और भारत की पोजीशन क्या रही थी, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना देश का नाम, फिर गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने मिले, रजत और वो ब्रॉन्ज कितने मिले हैं, तो यहाँ देश लिख लो, यहाँ सोना लिख लो, या गोल्ड लिख लो, रजत और कांस्य और टोटल लिख लो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत कौन से नंबर पे रहा है, और किसको कितने कितने पदक मिले हैं, बताइए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ और आप लोग मुझे बताइए। हाँ तो भैया देखो फर्स्ट नंबर किसका रहा था, चाइना जी का, चाइना जी कौन है, अपने चीन है, इसने तो भैया गजब कर दिया है ये देश, और एक अपना देश है जो पॉपुलेशन में कौन से स्थान पर है आप सभी को पता है, और एक ये स्थान है अपने चाइना का, चाइना देखो पॉपुलेशन में नंबर वन है, लेकिन उसको वहाँ के खिलाड़ी बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट तो इंडिया के भी हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं ने अपनी लगा पड़ी है, समझ रहे हो, तो इसको कितने मिले हैं, 207, टोटल 207 मिले हैं, और अपने 96 इसको गोल्ड मिले हैं, 60 इसको रजत मिले हैं, और 51 इसको कांस्य पदक मिला है। सेकंड में कौन सा आता है, ब्रिटेन के बाद यूएसए, और इंडिया की पोजीशन कितनी है, 24th नंबर की, ठीक है ये ध्यान रखना,
ये भी इंडिया की, ये मान लो बहुत अच्छी पोजीशन है, इंडिया को 5 गोल्ड मिले हैं ठीक है ना, और 8 अपने सिल्वर मिले हैं, और 6 मिले हैं क्या कांस्य पदक मिले हैं ठीक है, और टोटल कितने हो गए 19 ठीक है। ब्रिटेन को कितने मिले हैं 41, और 38 कितने मिले हैं रजत पदक, और 45 मिले हैं क्या कांस्य पदक, और 124 टोटल हो गए, और 104 टोटल हैं, 31 इसके कांस्य हैं, 36 इसके रजत हैं, 37 इसके अपने गोल्ड हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, दूसरा टेप कहाँ गया, चलो ये देखते हैं। हाँ तो इसका देखो, चाइना फर्स्ट नंबर पे, इसको कितने मिले हैं गोल्ड 96, और इसके सिल्वर कितने मिले हैं 60, और कांस्य कितने मिले हैं 51, टोटल कितने 207। ब्रिटेन सेकंड पे, इनको याद करो तो ठीक है, अन्यथा एक सीक्वेंस याद रखना, इंडिया की पोजीशन जरूर रखना। सोना, ये सोना कितना मिला है 5, ये खिलाड़ियों के अपन नाम याद कर लेंगे बिल्कुल, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, अवनी लेखारा। अवनी लेखारा एक ऐसी खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने क्या ब्रॉन्ज भी जीता है, प्लस 10 मीटर एयर राइफल में सोना भी लाई है इंडिया के लिए, तो ध्यान रखना अवनी लेखारा। और अवनी लेखारा कौन, क्या थे, ध्वजवाहक।